वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एलएनटी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन 23rd of October को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो कल का कैंडल हम लोग को शो कर रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस हम लोग को मिल रहा है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए हैं, ठीक है। तो आज के दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ी कैंडल बनी, ये जो 4-5-6 कैंडल में ऊपर की ओर स्लोली गया था और उसी तरीके से तेज़ी से नीचे की ओर आ गया है, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से ये नीचे की ओर आ गया, जितना भी 5 दिन का मोमेंटम था पूरा का पूरा एक दिन में ही नीचे की ओर आ गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो हम लोग को बेयरिशनेस नज़र आ रहा है, क्लियरली बेयरिशनेस नज़र आ रहा है, इतना मोमेंटम के बाद ये यहाँ पे रुकने की कोशिश की, फिर से प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। एक ये हो सकता है कि यहाँ पे फॉलो अप कैंडल बने और ये फॉलो अप कैंडल हो सकता है बहुत बड़ा ना हो, हो सकता है इन लो के आसपास कहीं पे आए और इन्हीं लो के आसपास से रिटर्न करने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि अगर इतना बड़ा कैंडल बना है तो एक और यहाँ पे इतना बड़ा अगर कैंडल बनता है तो सेम साइज का एक बड़ा कैंडल बन जाएगा, 2-3% के आसपास का ये कैंडल हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये पॉसिबल है, यहाँ से नीचे की ओर आए और ये 3450 के आसपास आके थोड़ा सा यहाँ पे संभलने की कोशिश करे। सेकेंड चीज़ ये हो सकता है कि यहाँ से ओपनिंग के बाद, ठीक है, ओपनिंग से आया और ओपनिंग में जैसे ही आया 3485 टच किया, हो सकता है यहीं से ऊपर की ओर निकल जाए। तो एक यहाँ पे इस तरीके की छोटी कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है 1 डे टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न मोमेंटम देखने की कोशिश करते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे ये अच्छी खासी सेलिंग होने के बाद ये यहाँ पे रुका, रुकने के बाद इस तरीके से नीचे गया है। हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा हम लोग को लग रहा है कि यहाँ से एक फिर से ये जब ये नीचे से गिरा है तो ये बाइंग जोन है। कितना है? तो 3460 से लेके 3430 के बीच में 30 रुपीज़ का बाइंग जोन है। तो फिर से अगर इतनी तेज़ी से मान लेते कल के दिन नीचे गिरने लगता है तो यहाँ पे तेज़ी से नीचे से आएगा, ऑलरेडी स्ट्रेच हो जाएगा ऑलरेडी, फिर एक बाइंग जोन है तो यहाँ से बाउंस बैक होने की प्रॉबिलिटी है। अब ये बाउंस बैक कितना देर टिकता है, यहाँ पे 2-3 बार आके फिर से इस लेवल को हिट करता है, रेंज बना के ब्रेक कर देता है तो और नीचे वाले लेवल्स हम लोग को इतना नीचे की ओर देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये रेंज बना के ऊपर की ब्रेकआउट कर देगा तो हम लोग को इसी जोन में कहीं ना कहीं ये ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। थैंक यू।